एका देवा सर्वभूतेषु गूढ़। मगर ये जो ऑल परवेडिंग एंटिटी, सुप्रीम एंटिटी, ये क्या है? सर्वभूतेषु गूढ़, इट लाइज कोवर्ट इन ईच एंड एवरी एक्सप्रेस एंटिटी ऑफ दिस यूनिवर्स। हर चीज के भीतर है, मगर किस तरह के है ना, गूढ़ भाव में। गूढ़ माने है किंतु बाहर से दिखाई नहीं देता है। कैसा? न तीलेषु तैलम दधिनी व सर्पी राप स्रोतस्वरणीषु चाग्नि एवं आत्मनि गृह्यते सौ सत्येन नंग तपसा येन पश्यति। तिल में जैसा तेल है, दधिनी व सर्पी दही में जैसा घी है, लकड़ी में जैसा आग है, और बालू के नीचे, नदी के बालू के नीचे जैसा पानी है, बाहर से दिखाई नहीं देता है, मगर थोड़ी सी कोशिश करने से तब मालूम हो जाता है। ठीक वैसा ही तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन के अंदर परम पुरुष परम तत्व छुपे हुए हैं। तुम साधनाग्नि के द्वारा चेष्टा करो, साधना के द्वारा कोशिश करो, प्रकट हो जाएंगे। जैसे दही को मंथन करने से क्या होता है, मक्खन अलग हो जाता है और क्या, मट्ठा अलग हो जाता है, किंतु वही मक्खन पाने के लिए विशेष चेष्टा की जरूरत होती है, चारण करना पड़ता है दही को, नहीं करने से तो मक्खन नहीं पाओगे। ठीक वैसा तुम्हारा जो मन है, तो चारण करने के बाद क्या होता है, उसका जो स्पिरिट पोर्शन, पर पोर्शन, आत्म पोर्शन को पाते हो घी के रूप में, और बाकी पोर्शन क्या होता है, इंप्यूरिटीज। ठीक वैसा तुम्हारा जो मन है, मन को चारण करो, आत्मा को अलग पाओगे, अब मन का जो इंप्यूरिटीज है, गंदगी है, वो अलग हो जाएगा। इसलिए हर इंसान के लिए साधना की आवश्यकता है। क्यों ना परम पुरुष किस तरह से है ना, सर्वभूतेषु गूढ़ गूढ़ रूप में है, प्रकट रूप में नहीं रहेंगे, गूढ़ रूप में रहेंगे। किसमें गूढ़ रूप में है? सर्वभूतेषु, भूत मीन्स क्रिएटेड बीइंग, जो कुछ भी हम देखते हैं अथवा जो कुछ भी हम मन में सोचते हैं, सब भूत के स्कोप में आ जाते हैं। सर्वभूत, एक दो भूत नहीं, सर्वभूत। सर्व माने क्या है ना, क्रिएशन जो होता है, क्रिएशन में जब फंडामेंटल साइड में बेसिक प्रिंसिपल जो है, बेसिक प्रिंसिपल जब क्या होता है, गुण त्रिकोण अनबैलेंस्ड हो जाने के बाद, ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस जब अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, उससे अनबैलेंस्ड हो जाने के बाद फ्रॉम वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल जो रिजल्टेंट फोर्स निकल जाता है, वो मूलतः अब्सेंशियंट नेचर, सत्वगुणी है, सत्वगुणात्मक है। तो यूनिवर्स के स्टार्टिंग में बेसिक प्रिंसिपल के बाद ही, बेसिक प्रिंसिपल में ही कहो, जो सबसे अधिक क्रियाशील है, अब्सेंशियंट नेचर। तो ये जो सेंशियंट एक्सप्रेशन, उसका जो वाइब्रेशनल साउंड है, सौ दंत्य स्व। प्राचीन काल के मनुष्य एक ही स्व का व्यवहार करते थे, दंत्य स्व, तालव्य स्व और मूर्धन्य स्व का आविष्कार पीछे हुआ। तो सौ है स्टार्टिंग पॉइंट, सेंशियंट प्रिंसिपल पहले काम करती है, उसका वाइब्रेशन है सौ। अब सेंशियंट प्रिंसिपल केवल रहने से वस्तु का अस्तित्व तो नहीं रह सकेगा, इट मस्ट बी सपोर्टेड बाई फिजिकल एनर्जी। फिजिकल एनर्जी नहीं रहने से एग्जिस्टेंस नहीं रहे। मेंटेन द स्ट्रक्चरल सॉलिडरिटी, व्हाट डू वी रिक्वायर एनर्जी, और एनर्जी का अकॉस्टिक रूट है र। तो दंत्य स्व हुआ, र हुआ, और जहां भी कोई वस्तु है, वो फिजिकल हो चाहे साइकिक हो, इट इज गाइडेड बाय सर्टेन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, सर्टेन प्रॉपर्टीज, इट हैज गॉट सर्टेन रूल्स। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स,
इसी को कहते हैं उस वस्तु का धर्म, स्वभाव धर्म। धर्म का व तो सरव, सरवात सर्वउच्चते, सरव ये तीन लेटर हर चीज में है, इसलिए हर चीज को संस्कृत में हम सर्व कहते हैं। सर्व से वर्तमान हिंदी में सब आ गया। तो सर्वभूत से गुड़ा, उस सर्व में गुड़ा है, छुपे हुए हैं हर चीज में। इसलिए किसी भी चीज को लेकर अगर मनुष्य सिंथेटिक अप्रोच ले लिए, उसकी सार सत्ता जो अलग हो जाएगी वही परम पुरुष। इसलिए उनको पाने के लिए इंटरनल साधना एक्सटर्नल साधना दोनों की जरूरत है। बाहर में जितने मनुष्य हैं, जितने जीव हैं, वो भी तो परमात्मा का विकास है, उनकी भी खिदमत करनी है। उससे मन निर्मल होगा तो भीतर में साधना ठीक से कर सकोगे। जो जनसेवा नहीं करना चाहता है, जनसेवा से डरता है, वो परमात्मा से दूर रह जाएगा। वो जो कोठली का दरवाजा बंद करके वो अगर 10 घंटा साधना करे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्यों ना, बाहर भीतर के उसका एडजस्टमेंट नहीं है। और साधना क्या है, सब्जेक्टिव अप्रोच थ्रू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। तो सब्जेक्टिव अप्रोच करेगा, ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट नहीं करेगा, उसकी रूहानी तरक्की नहीं हो सकती है। तो सर्वभूतेषु गूढ़,